नमस्कार, मैं गीतेश्वर शरण वार्ष्णेय, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट कोड 107 के टॉपिक वेरियस सिस्टम्स ऑफ डायमेंशंस, इसको डिस्कस करूँगा। ये जो है, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में जो है हमने डायमेंशनिंग के कुछ जो बेसिक रूल्स और टाइप्स डिस्कस किए थे, अब उनको किस तरह से ठीक से अप्लाई किया जाए, इस वीडियो लेक्चर में उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो एक्यूरेट डायमेंशनिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग है, कोई भी डिजाइनिंग का या प्रोडक्शन का कोई भी काम है तो ड्राइंग जो है पहला टूल है, और ड्राइंग के अंदर जो डायमेंशनिंग जो है वो बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायमेंशनिंग के स्टैंडर्ड्स को अगर अपन ब्रेक करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स या कन्वेंशंस जो ड्राइंग के हैं उसको अगर अपन ब्रेक करते हैं, तो ड्राइंग को रीड करने में या ड्राइंग का जो यूज कर रहा है उसके बीच में और ड्राइंग बनाने वाले के बीच में जो है कुछ क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए जो है जहाँ तक हो सके स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करना चाहिए। तो कुछ जो है क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। ईच डायमेंशन शुड बी रिटन क्लियरली विद ओनली वन वे टू बी इंटरप्रेटेड। एक ड्राइंग बनाने वाले के लिए यानी ड्राफ्ट्समैन को एक ही तरह का जो है पूरी अपनी ड्राइंग के अंदर एक ही तरह का डायमेंशनिंग का जो सिस्टम है वो फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यू में कुछ और तरीके से डायमेंशन जो है लिखी है, दूसरे व्यू में कुछ और तरीके से लिखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनली वन वे, हर एक फीचर जो है वो डायमेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई डायमेंशन जो है किसी की छूट जाए, जिससे जो है इस प्रोडक्शन उसके जॉब ड्राइंग के जो जॉब बनाएंगे उसके प्रोडक्शन में या उसके इंस्पेक्शन में कोई जो है मिस इंटरप्रिटेशन हो या कंफ्यूजन हो। एक फीचर को एक ही बार डायमेंशन करना है। एक व्यू में अगर एक डायमेंशन क्लियर है तो उसको अननेसेसरीली दूसरे व्यू में नहीं शो करना है। डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए। डायमेंशन फीचर्स और सर्फेसेस शुड बी डन टू ए लॉजिकल रेफरेंस पॉइंट। जो भी अपन किसी भी फीचर या सर्फेस को डायमेंशन कर रहे हैं उसका एक रेफरेंस पॉइंट वो थोड़ा सही होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। डायमेंशन सर्कल्स शुड हैव डायमीटर्स एंड आर्क्स विद ए रेडियस। सर्किल की डायमेंशन जहाँ तक हो सके डायमीटर से करनी चाहिए, और आर्क्स आर्क्स हैं तो या सेमी सर्किल है तो उनके लिए रेडियस करनी चाहिए। ए सेंट्रल लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंड यूज्ड एज एन एक्सटेंशन लाइन। अगर ज़रूरत है तो सेंट्रल लाइन को भी एज एन एक्सटेंशन लाइन यूज किया जा सकता है। डायमेंशन फीचर्स ऑन इट व्यू शुड क्लियरली शो इट्स ट्रू शेप। ट्रू शेप को शो करने वाली डायमेंशन होनी चाहिए। एनफ स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड क्राउडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन। स्पेसिंग जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ताकि ड्राइंग उसको ठीक से पढ़ा जा सके, कोई किसी तरह का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन भी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए एक्सटेंशन लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन को एज एन एक्सटेंशन लाइन यूज नहीं करना चाहिए। डायमेंशंस शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द पार्ट। डायमेंशनिंग जो है जहाँ तक हो सके जो व्यू है उसके बाहर की तरफ होनी चाहिए। सेंटर लाइंस और मार्क्स शुड बी यूज्ड ऑन ऑल सर्किल्स एंड होल्स। हर एक सर्किल में या होल के अंदर या सिमेट्रिक व्यू के अंदर सेंटर लाइन जरूर दिखानी चाहिए। एंगल को डायमेंशनिंग कैसे करेंगे ये अपन देख रहे हैं। दो तरह के मेथड हैं। एक मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड। इसमें जो है हमने जो है जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमने शो कर दिए हैं, तो अब एंगल जो है वो अपने आप बन जाएगा। और एक मेथड में क्या करा है कि हमने केवल जो है सीधा एंगल दिखा दिया है, तो दोनों मेथड सही हैं।
ये किसी एंगल को दिखाने का ये तरीका है। आर्क्स और सर्कल्स को कैसे दिखाया जाएगा? आर्क्स एंड सर्कल्स आर डायमेंशन इन व्यूज दैट शो द आर्क और सर्किल। अगर दो व्यू हैं, जिस व्यू में सर्किल दिख रहा है ना, या जिस व्यू में आर्क दिख रहा है, उस व्यू में ही डायमेंशन करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। आर्क्स आर डायमेंशन विद ए लीडर टू आइडेंटिफाई द रेडियस इन सम केसेस ए सेंटर मार्क इज इंक्लूडेड। एक लीडर आर्क्स को और सर्किल्स दोनों को दिखाने के लिए लीडर लाइन का यूज करेंगे। अभी आगे हम देखेंगे लीडर लाइन क्या होती है। और सर्किल्स शुड हैव ए सेंटर मार्क एंड आर डायमेंशन विद ए लीडर टू आइडेंटिफाई द डायमीटर। तो आर्क्स में तो रेडियस और सर्किल में डायमीटर। तो आप जो है लीडर लाइन जो है इसे ये लीडर लाइन इसे हम लीडर लाइन कह सकते हैं। तो ये तो इसमें तो केवल रेडियस दिखाई है। द एरो कैन बी इनसाइड फॉर स्मॉल आर्क्स। स्मॉल आर्क्स के लिए एरो जो है इनसाइड हो सकता है व्यू में और आउटसाइड भी हो सकता है। स्मॉल आर्क्स डू नॉट नीड सेंटर मार्क्स। स्मॉल आर्क्स के लिए सेंटर मार्क की जरूरत नहीं है, लेकिन लार्ज आर्क्स के लिए सेंटर मार्क होना चाहिए जैसे यहाँ दिखाया है। और रेडियस को दिखाने से पहले कैपिटल आर लेटर का यूज करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं डायमीटर को के लिए क्या कुछ खास बातें हैं। ए फुल सर्कुलर ऑब्जेक्ट शुड बी डायमेंशन यूजिंग इट्स डायमीटर। ये फुल डायमीटर ये लीडर लाइन है। दिस इज कॉल्ड लीडर लाइन। ए फुल सर्कुलर ऑब्जेक्ट शुड बी डायमेंशन यूजिंग इट्स डायमीटर। होल्स शुड यूज होल नोट्स। सर्किल अगर है सिंपल तब तो जो है 5 और जो भी वैल्यू है उसके डायमीटर की वो पुट करनी है। लेकिन अगर होल है तो उसके लिए जो है पूरा एक नोट लगाना होगा। जैसे ये एक होल का नोट है। दिस स्पेसिफिकेशन कॉल्स फॉर ए होल विद ए डायमीटर ऑफ 0.5 एंड 1 यूनिट डीप। दिस सिंबल इज शोइंग दैट दिस सिंबल विद एरो हेड इज शोइंग द डेप्थ ऑफ द होल। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट एन थ्रू होल। आर पार वाला होल नहीं है, पूरी ब्लॉक के जो है पार नहीं है, इसकी कुछ डेप्थ है, ब्लाइंड होल है। तो ये जो है इसको कैसे शो करेंगे हम एक एरो हेड के साथ में, जो नीचे की डायरेक्ट डाउनवर्ड जो है एरो हेड के साथ में ये जो है इसको शो करेंगे। और ये इसकी डेप्थ, इसके आगे की जो वैल्यू होगी वो उसकी डेप्थ को शो करेगी। तो होल के लिए हमारा ये, अगर ये आर पार होता तो इसकी जगह पर हम लिख देते THRU थ्रू होल, THRU ओनली। डायमीटर में जैसा अभी हमने एक रूल में डिस्कस किया था कि डायमीटर जो है जहाँ सर्किल शो हो रहा है वहीं पर जो है डायमीटर को भी डायमेंशन को भी शो करना है। लेकिन कभी कभी जैसे इस केस में जो है यहाँ ज़्यादा सूटेबल है। सिलेंड्रिकल पार्ट्स में शो देयर डायमीटर्स इन दिस मैनर। डायमेंशनिंग ऑन द राइट साइड व्यू कुड बी टू क्राउडेड। क्राउडेड होने से बचने के लिए हमने इस तरह से शो किया। लेकिन इस डायमेंशन को लीनियर डायमेंशन से बचाने के लिए हमने आगे फाइल लगा दिया, ताकि इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो है सर्कुलर जो है ऑब्जेक्ट है। फिलेट्स और राउंड्स को कैसे शो किया जाएगा? रेडियस की तरह ही शो किया जाएगा। अभी हमने जो डिस्कस किया था, लार्ज आर्क्स यूज सेंटर मार्क्स, स्मॉल आर्क्स डू नॉट यूज सेंटर मार्क्स, एरो कैन बी आउटसाइड द आर्क, यूज कैपिटल आर। दिस इज नॉन एज द फिलेट। जो शार्प कॉर्नर्स को अगर हमने राउंडेड बना दिया तो उसको फिलेट कहते हैं। इसको कहेंगे राउंड्स, इसको कहेंगे फिलेट्स। तो शार्प कॉर्नर्स को अगर राउंडेड बना दिया तो वो फिलेट कहलाएगा। होल को कैसे रीड करना है? तो यहाँ पर अभी होल को हमने डिस्कस किया था। तो ये
जैसे ये एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ये एग्जांपल अगर लें द होल डायमीटर इज 0.25 यूनिट एंड विल बी ड्रिल्ड 0.75 डीप। ब्लाइंड होल है, थ्रू होल नहीं है, इसलिए इसका यूज किया है। द होल विल बी काउंटर बोर्ड, दिस सिंबल इज फॉर द काउंटर बोर और स्पॉट फेस सिंबल, एंड दिस सिंबल इज द डेप्थ सिंबल एंड टू ए डेप्थ ऑफ 0.25। ओके, एंड ये दिस होल इज द थ्रू होल, कंप्लीट होल, आर पार होल है, तो उसको इस तरह से शो किया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि कौन से क्या क्या जो कॉमन जो है एरर्स जो है ड्राइंग में डायमेंशनिंग में होती हैं। तो डायमेंशन शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड, जैसे इस केस में हमारे देख रहे हैं कि डायमेंशनिंग रिपीट हो रही है, जो डायमेंशन यहाँ शो हो चुकी है, इस व्यू में शो हो चुकी है, उसको यहाँ पर शो करना जो है अननेसेसरी, कोई उसकी नीड नहीं है और जो है डुप्लीकेसी हो गई। तो जो है इसलिए जो हमको सारी जो फीचर्स हैं वो जो है यहाँ से पता चल रहे हैं, तो अब उनको यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नो अननेसेसरी डायमेंशंस शुड बी यूज्ड, ओनली दोज नीडेड टू प्रोड्यूस और इंस्पेक्ट द पार्ट। तो इस व्यू में हम देख रहे हैं कि इस डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये कितना होना चाहिए, और सिमिलरली यहाँ भी, तो ये जो है अननेसेसरी डायमेंशन। डायमेंशंस शुड बी अटैच्ड टू द व्यू दैट बेस्ट शोज द कंटूर ऑफ द फीचर टू बी डायमेंशनड। डायमेंशनिंग उस व्यू में की जाएगी जहाँ से हम उसको जो है उसके फीचर्स को ज़्यादा ठीक से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो ये वाला एलिवेशन वाला व्यू है, इसमें फीचर्स जो है वो ज़्यादा क्लियर हैं, तो डायमेंशनिंग जो है एलिवेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ओके, लाइक दिस, वेन एवर पॉसिबल अवॉइड डायमेंशनिंग टू हिडन लाइन्स एंड फीचर्स। जैसे ये जो है हिडन लाइन की जो है डायमेंशनिंग, इसको जो है अवॉइड करना है, बल्कि इसको हमको जो है यहाँ यूज करना है इधर, लाइक दिस। अवॉइड डायमेंशनिंग ओवर और थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर से या ऑब्जेक्ट से होते हुए डायमेंशनिंग लाइन को पास नहीं कराना है। तो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है हाइलाइटेड रेड कलर से, ये जो है इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट इस तरह से रखना है। ए डायमेंशन शुड बी अटैच्ड टू ओनली वन व्यू, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन लाइन शुड नॉट कनेक्ट टू व्यूज। ये आप देखिए यहाँ पर जो है एक्सटेंशन लाइन जो है, एक ही एक्सटेंशन लाइन को दो व्यू में यूज किया जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये जो है बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। वेन एवर पॉसिबल लोकेट डायमेंशंस बिटवीन एडजेसेंट व्यूज। अब डायमेंशंस को जो पोजीशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे दिखा तो अपन एक ही व्यू में रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके दूसरे व्यू के वो नज़दीक रहे। तो जो एडजेसेंट डायमेंशनिंग है उसको इस तरह से किया जाएगा कि ये यहाँ पर प्लेस किया है हमने, हमने यहाँ प्लेस किया है। ओके, अवॉइड क्रॉसिंग एक्सटेंशन लाइंस बट डू नॉट ब्रेक देम व्हेन दे डू क्रॉस। जहाँ तक हो सके एक्सटेंशन लाइंस को क्रॉस नहीं कराना है, लेकिन कहीं क्रॉस होती भी हैं तो उनको फिर वहाँ ब्रेक नहीं करना है। मल्टीपल एक्सटेंशन लाइन क्रॉसिंग मे बी कन्फ्यूज फॉर द आउटसाइड कॉर्नर ऑफ द पार्ट। जहाँ तक हो सके क्रॉस नहीं कराना है। वेन एवर पॉसिबल अवॉइड सेंडिंग एक्सटेंशन लाइन्स थ्रू ऑब्जेक्ट व्यूज। एक्सटेंशन लाइन को ऑब्जेक्ट से होते हुए पास नहीं कराना है इस तरह से, ये गलत है। इसको सही कैसे किया जाएगा, इस तरह से। इन सर्किल
इन जनरल ए सर्किल इज डायमेंशनड बाई इट्स डायमीटर एंड एन आर्क बाई इट्स रेडियस। सर्किल को डायमीटर ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, सर्किल को डायमीटर से और आर्क को रेडियस से शो करना है। होल्स आर लोकेटेड बाई देयर सेंटर लाइन्स विच मे बी एक्सटेंडेड एंड यूज एज एक्सटेंशन लाइन्स। होल्स को जो है सेंटर लाइन से जो है यूज किया जा सकता है, होल्स की जो सेंटर लाइन्स हैं, क्योंकि सिमेट्रिक होने के कारण हमने यहाँ सेंटर लाइन जो है ड्रॉ करेंगे, तो उन सेंटर लाइन को एक्सटेंड करके मे बी यूज एज एन एक्सटेंशन लाइन। होल्स शुड बी लोकेटेड एंड साइज्ड इन द व्यू दैट शोज द फीचर्स एज ए फीचर एज ए सर्किल। तो जैसे यहाँ पर ये गलत किया है, जहाँ तक हो सके होल्स और सर्किल को जहाँ पर वो एज ए सर्किल शो हो रहा है वहाँ पर जो है उसकी डायमेंशनिंग होनी चाहिए, तो इसको इस तरह से जो है सही किया जाएगा। यहाँ पर ये सर्किल दिख रहा है, यहाँ पर ये सर्कुलर होल तो है, लेकिन इसकी डायमेंशनिंग यहाँ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ करेंगे, यहाँ यहाँ सर्किल दिख रहा है। डू नॉट क्रॉस ए डायमेंशन लाइन विद एन एक्सटेंशन लाइन एंड अवॉइड क्रॉसिंग डायमेंशन विद लीडर लाइन्स। ये जैसे जो लीडर लाइन है, ये लीडर लाइन जो है इस डायमेंशन लाइन को क्रॉस कर रही है, एक्सटेंशन लाइन को भी क्रॉस कर रही है, ऐसा नहीं करना है। ये यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो डायमेंशन लाइन है ये इस एक्सटेंशन लाइन को जो है क्रॉस कर रही है, तो इसको कैसे अवॉइड किया जाएगा ये आप देखिए, इस तरह से जो है अवॉइड किया जाएगा। एक तो क्या है कि जो स्मॉलर डायमेंशन है उसको पहले लिखा जाए, और जो लार्जर डायमेंशन है बिगर डायमेंशन है उसको जो है बाद में लिखा जाए, और लीडर लाइन जो है किसी भी एक्सटेंशन लाइन को या डायमेंशन लाइन को जो है क्रॉस ना करें इस तरह से। लीडर लाइंस पॉइंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द फीचर एंड शुड नॉट अकर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। लीडर लाइन कभी भी या तो हॉरिजॉन्टली ऐसे नहीं हो सकी और ना वर्टिकली ऐसे होगी, ये हॉरिजॉन्टली इस केस में गलत है और इस केस में वर्टिकली है ये गलत है। लीडर लाइन जो है हमेशा जो है किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगी और उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टली जो है वो जहाँ पर हमको डायमेंशन का नोट लिखना है वहाँ तक उसको एक्सटेंड करेंगे हॉरिजॉन्टली। डायमेंशन नंबर्स शुड बी सेंटर्ड बिटवीन एरोहेड्स एक्सेप्ट व्हेन यूजिंग स्टैक्ड डायमेंशंस एंड देन द नंबर्स शुड बी स्टैगर्ड। अब यहाँ पर जो हमने डायमेंशनिंग की है तो ये जो है नज़दीक होने के कारण अब ठीक से रीडेबल नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम जो है नंबर्स को स्टैगर्ड कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे ताकि किसी तरह का जो है मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। कंसेंट्रिक सर्किल्स आर डायमेंशन इन द लॉन्गिट्यूडिनल व्यू वेन एवर प्रैक्टिकल। अब जो है ये इनको हालांकि हमने एक रूल पढ़ा था कि जहाँ तक हो सके जिस व्यू में सर्किल दिख रहा है वहाँ पर जो है सर्किल की जो है डायमेंशनिंग होनी चाहिए, लेकिन क्राउडेड होने से बचाने के लिए उसकी डायमेंशनिंग को इस तरह से भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।